Thank you.
राज्य केंद्र, जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। शिक्षकों और अन्य स्टाफ का बड़े पैमाने पर टीकाकरण पूरा होने और कोरोना की बोलो सरकार ने बचाया जनता का जीवन और जीविका। योगी मुख्यमंत्री ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, उपलब्धियां गिनाई। बिजनौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार ने जनता। वाड़ी का महत्व। वंदाकिनी नदी के किनारे चंद्रकला नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत मिलनसार थी और केतन और जतिन बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, परीक्षा सिर पर थी। उन्हीं दिनों केतन पाठ 16 पेज नंबर 26 वाणी का महत्व। मंदाकिनी नदी के किनारे चंद्रकला नाम की कहानी। मेहनत का फल। एक बार मेहनत मृदु नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक उन्हें देखा कि एक युवक नदी के किनारे मैं डूब रहा है, अपनी जान देने जा रहा है। प्रभात, मैं कक्षा 3 में से कनिका चौरसिया बोल रही हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, उसका नाम है मित्रता। एक दो मित्र थे, एक का नाम पीथर्स था और दूसरे का नाम डमन था। पीथर्स जहाँ रहता था उस देश का राजा बहुत ही अत्याचारी था। उसने पीथर्स पर दोष लगाकर उसे मेरा नाम डेजी सिंह है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। कहानी का नाम से और चुहिया है। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह एक कहानी मैम एक अच्छा दोस्त एक कहानी बताती है कि दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। कुछ समय बाद उन दोनों में एक बहस हुई और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। जिस दोस्त ने चेहरे पर थप्पड़ मारा उस गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम अथर्व गुप्ता है। मैं आपके सामने साहसी बालिका की रीडिंग करने जा रहा हूँ। एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक बालिका रहती थी। उसकी आयु 12 वर्ष थी। उसका रंग गोरा था और चेहरे पे अद्भुत चमक थी। उसके गांव के गुड मॉर्निंग रूपा मैम, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ अपनी बुक चैप्टर 6 है। उसका नाम अभी मैं देखी सूरज की सीख। सूरज प्राप्त उचित है होता अरुण सारथी। इसे खींचता सारे जन्म घूमता धूम मचाता सभी दिशाएं उजली करता यह पृथ्वी से। स्टोरी रीडिंग झूठ का फल। झूठ का फल। रवि नाम का एक चरवाहा बकरियां चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाता था। उस शरारती चरवाहे का मन जंगल में नहीं लगता था। इस कारण वह नई नई शरारतें करता रहता था। एक दिन शरारती चरवाहे ने झूठ ही बालिका एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक बालिका रहती थी। उसकी आयु 12 वर्ष थी। उसका रंग गोरा था और चेहरे पर अद्भुत चमक थी। उसके गांव के निकट दोहरी रेलवे लाइन थी, अर्थात दो रेलगाड़ियां